आई कम इन सर? हाँ आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जयादित्य कुमार जी सर। जयादित्य इसका पूरा अर्थ समझाओ हमें सर। जय आदित्य, जय मीन्स पृथ्वी और आदित्य सूर्य के लिए यूज किया जाता है, तो दोनों को कंबाइंड करके पिताजी ने ये नाम रखा जय आदित्य। जय आदित्य। भरतपुर के रहने वाले हो जी सर। और बयाना तहसील। हाँ जी। तो बताओ भरतपुर के बारे में कोई खास खास बातें बताओ। सर भरतपुर में जो सबसे इंटरनेशनली फेमस है वो है कैलवादेव नेशनल पार्क। सेकंड चीज टीक के जो महल हैं उन्हें भी अपनी ख्याति काफ़ी प्रसिद्ध है उसकी। तो मेनली और सेकंड चीज जो वाटर के लिए सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है वो बंदवारेठा जो बयाना के लिए प्रॉपर तरीके से पानी का सर्विसिंग करता है पानी के थ्रू। अच्छा जी सर। और जो भरतपुर का किला है वो भी अपने आप में एक अजय दुर्ग। क्या कहते हैं उसे? लोहागढ़। लोहे का बना हुआ है? जी नहीं सर। तो लोहागढ़ क्यों कहते हैं? सर उसकी ये खासियत थी कि वो अजय दुर्ग रहा, चाहे वो मुगल एम्पायर रहे हों या फिर अंग्रेजों के द्वारा जब इसके ऊपर आक्रमण किया गया तो उसे जीतने में असफल रहे, तो यही कारण है कि तो इतनी मजबूती का क्या कारण है उसकी? एज ए इंजीनियर आप बताओ देखिए क्या कारण है वो इतना मजबूत है। सर एज ए इंजीनियर जो सबसे बनाने का जो तरीका था कि जो इंजीनियर हो रहा होगा उसने यही सोचा कि जितने भी फोर्ट हैं वो पत्थर से बने हुए हैं, तो ईजिली जब कोई गोला या बारूद जाके जब अटैक करता है तो वो डैमेज प्रॉपर तरीके से बिल्कुल पहुँचाता है। तो उन्होंने जो उसके आउटसाइडर था उसके ऊपर मिट्टी की बाउंड्रीज बनाई गई और साइड में खाई बनाई गई ताकि दूर से अटैक हो तो इम्पैक्ट कम जाए। सेकंड चीज़ जो गोला या बारूद है वो धंसे मिट्टी में जाके तो ब्लास्ट ना करे, तो ये दोनों मेन रीजन थे उनकी वजह से वो अजय दुर्ग कहलाया। अच्छा और उससे क्या खर्चा भी तो वैसे कम ही लगा होगा जो मिट्टी से ही बनाया है तो अब तो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया होगा। हाँ जी सर अभी तो लोहागढ़। कोई दरवाजे की भी बात सुनी हुई है भरतपुर के बारे में? हाँ जी, अष्ट धातुओं से निर्मित दरवाजा है जिसे चित्तौड़गढ़ से मुगल एम्पायर थे तो वो दिल्ली लेके गए, लेकिन दिल्ली से जो राज उस टाइम के मुगल एम्पायर थे उन्होंने जो सूरजमल थे भरतपुर के महाराजा तो उनके साथ जब अटैक करके उनकी जब हत्या हो गई थी युद्ध के दौरान तो उससे आहत होके उनके पुत्र थे जवाहर सिंह जी, तो उन्होंने दिल्ली पहुंचकर और पूरे दिल्ली सल्तनत पे एक दबदबा कायम किया और जो उनकी शान बान और शान जो अष्ट धातु से बना दरवाजा था उसको उखाड़ करके और भरतपुर लाके अपने महल में लगाया और एक मुकाम या ये कहें कि एक ये कह सकते हैं कि सर एक सबके सामने एक आईना बनाया, मतलब आईना पेश किया मुगल एम्पायर के सामने कि हाँ हम में भी ये बात है कि हम मुगल एम्पायर को हरा सकते हैं। म्यूजिक सुनते हो आप? कौन सा म्यूजिक सुनते हो? सब सॉफ्ट म्यूजिक मुझे पसंद है, 90s के जो सॉन्ग होते हैं। भारत में जो साउथ का म्यूजिक है उसको क्या कहते हैं? वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से सर। नहीं वो अलग अलग तरह के है पर उसको साउथ की तरफ जो का जो म्यूजिक है उसको एक ही टर्म दी गई है, वो क्या है सर? आई थिंक साउथ इंडियन म्यूजिक। नहीं। अच्छा और कुकिंग भी कर लेते हैं आप? जी सर। तो क्या कुछ पका लेते हैं कुकिंग में? सर जो मेरा फेवरेट है वो पायसम, इसे खीर कहते हैं। अच्छा। तो वो मुझे सबसे अच्छा बनाना और खाना दोनों ही चाहिए। खीर को संस्कृत में क्या कहते हैं? जी नहीं सर नहीं मालूम। तो खीर तो बड़ा प्रिय भोजन है देवताओं का भी। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं क्या, सोचते ही रहते हैं किसी बात के ऊपर? नहीं सर, एक जो या तो अपन फैमिली पर्पस से अगर देखते हैं सर तो जैसे
घर की तरफ से कुछ प्रेशर आया कि नहीं आपको ये चीज़ करना है, तो उस चीज़ पे थिंकिंग जो होती है वो बहुत आगे चली जाती है कि आखिर ऐसा क्यों। अच्छा, मतलब खूब सोचते रहते हो। इतना ही सर, जितनी ज़रूरत हो उतना ही सोचा करो। और PhD और WRD को, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, तो आपको ये टेक्निक्स पता है अपने वाटर के हार्वेस्टिंग के लिए? वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में कुछ बताएंगे? सर प्रॉपर अभी पढ़ के नहीं आया, बाकी का मैं ट्राई कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं। आप जय आदित्य जी, आप किस प्रकार का म्यूजिक पसंद करते हैं? सॉफ्ट म्यूजिक सर। सॉफ्ट म्यूजिक, कौन सा आपको म्यूजिशियन सबसे अच्छा लगता है? सर अलका याग्निक और आदित्य नारायण। अलका याग्निक और आदित्य नारायण जी ने दोनों ने साथ मिलके एक फेमस गाना गाया है जी सर। कौन सा गाना है, याद है आपको? काफ़ी फेमस भी है, अभी तो याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, त्रिदेव मूवी के अंदर है अलका याग्निक जी का कोई गाना? त्रिदेव? अच्छा, आइडिया नहीं है आपको? कोई सा भी गाना बता सकते हो अलका याग्निक जी का आप? जी सर बताइए। सर एक जो लेडी संगीत होता है उसमें जो कौन सा, उसमें भी है, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं, अलका याग्निक जी का ही है शायद? शायद या कंफर्म? कंफर्म सर। कंफर्म हो? और आप दूसरा उदित नारायण जी, कौन सा बताया आप? उदित नारायण जी? जी उदित नारायण जी की एक उनकी शैली में एक चीज़ फेमस है, क्या चीज़ है वो? सर उनके जितने भी सॉन्ग हैं, एक तो खुशनुमा होके वो लोग गाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक को जो देते हैं वो लोग। और सेकंड चीज़ सर, ऐसा नहीं है उदित नारायण जी सॉफ्ट म्यूजिक भी देते हैं, थोड़ा रॉक टाइप के या पॉप जिसे बोले हैं अपन, या पार्टी सॉन्ग बोले हैं आज के टाइम के हिसाब से, उस प्रकार के भी संगीत इन्होंने गाए हैं उदित नारायण जी। कुछ गजल वजल भी करते हैं क्या उदित नारायण जी? नहीं, आइडिया नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने कुकिंग अपनी हॉबी लिखी है, कुकिंग में क्या किस तरह का, अभी खीर के अलावा और क्या बना लेते हो आप जैसे घर में? जो सब्जियाँ, जो सीजनल सब्जियाँ होती हैं, अब जैसे अपने, जैसे अपन बोले डिश जी सर, पकवान हिंदी में बोलें तो कैसे सब्जी वब्जी तो नॉर्मल हो गई, डेली बनती है जो कभी कभार बनता हो? सर तो खीर का मुझे काफ़ी हो बाकी का सर, और नहीं दिया था खीर। खीर में केसर का क्या रोल होता है? केसर का सर, सर एक तो मैन जो सर, एक तो सुगंध जो है केसर की, वो सबसे अपना रोल प्ले करती है खीर में, और जो कलर होता है वो उससे। कहते हैं कि केसर गर्मी बहुत करती है, तो क्या खीर में केसर डालना सही रहता है, या केसर को खीर में डालते हैं ठंड करने लग जाती है? सर एक्चुअली केसर का जो रोल है, एक जैसे डालने, अगर गर्मी की बात है तो सर दूध भी उसके साथ ठीक है, रहता है। ओके, अच्छा, आपने अपनी स्ट्रेंथ में लिखा है ऑनेस्ट टू वर्क विद पेशेंस जी सर, तो आप ऑनेस्ट हैं जी सर, कैसे आपकी ऑनेस्टी, आपको कैसे पता चला कि आप ऑनेस्ट हैं, किस कैसे आपने इस पर फोकस किया? सर जैसे आज का कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ ऐसा, जिससे आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि मैं ऑनेस्ट हूँ? जी सर, सर अपनी एजुकेशन मतलब प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी ऐसे फ्रेंड थे जिन्होंने काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, चाहे वो नोट्सों के थ्रू हो या फिर भाई ये कोई भी चीज़ है उसके थ्रू पुश करने की कि नहीं आप इस चीज़ से आगे बढ़ने से कैसे भी रोका जाए, लेकिन मैं अपने ऑनेस्टली अपने वर्क पे डेडिकेटेड रहा। तो ऑनेस्ट हुआ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ सर? एक टारगेट ओरिएंटेड हुआ जी सर, बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड भी होता है वो चीज़, लेकिन ऑनेस्टी के एक ईमानदारी से आप वो चीज़ तो कर ही रहे हो जो आपको अपने टारगेट की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, वार्पिंग स्ट्रेसेस क्या होती है? वार्पिंग WARPING। अच्छा, एक शाफ्ट है वो पैरेलल में कनेक्टेड है जी सर, ठीक है, और उसके अंदर कोई टॉर्क लगा हुआ है जी सर, तो इसमें टॉर्क, दो शाफ्ट हैं सॉरी,
पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनमें टॉर्क सेम होगा या एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होगा? सर टॉर्क सेम होगा, टॉर्क सेम होगा और एंगल ऑफ ट्विस्ट सर वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। नहीं बस दोनों साथ में सेम होगा या फिर अलग अलग होगा? वो तो डिपेंड करेगा, तो दोनों साफ्ट के अंदर लेंथ पे डिपेंड करेगा जी सर। तो लेंथ कांस्टेंट हो गई। ओके अच्छा, साफ्ट के अंदर टॉर्क की वजह से किस प्रकार की स्ट्रेसेस उत्पन्न होती है? शियर स्ट्रेसेस। शियर स्ट्रेस इसका वेरिएशन कैसा होता है शियर स्ट्रेस का टॉर्क के साथ साथ? नहीं, जो साफ्ट के अंदर शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है? शियर स्ट्रेस पैराबोलिकली सर। पैराबोलिक जी सर। ठीक है, इसके कोई आप थ्योरी बता सकते हो शियर स्ट्रेस की? थ्योरी के हिसाब से कोई इक्वेशन बना रखी हो? जी सर। कौन सी इक्वेशन लिख सकते हो? टॉर्स लाइक अपने पास मैं ले फर्स्ट टर्म क्या लिखी है आपने? रेजिस्टिंग टॉर्क सर। टी अपॉन जे। जी सर। क्या बोलते हैं इस टर्म को, क्या बोलते हैं टी अपॉन जे को? टी अपॉन जे सर। हाँ। ओके, लास्ट में जी थीटा अपॉन एल। जी सर। इसे क्या बोलते हैं सर? ये पूरे कंबाइंड टाइम का नहीं पता। अच्छा, जैसे अपनी इक्वेशन होती है ना, एक बेंडिंग की इक्वेशन होती है टॉर्सनल रिजिडिटी। सॉरी अगर अपन वैसे जाते टॉर्सनल रिजिडिटी बोलते हैं, टॉर्सनल स्टिफनेस सर। स्टिफनेस बोलते हैं। स्टिफनेस क्या होती है और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी सर, स्टिफनेस मैं स्प्रिंग के लिए जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कोई चीज़ कितना बैंड हो सकती है। कुछ टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, वो लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं स्टिफनेस को, फ्लेक्सिबिलिटी को? अच्छा चलो, हार्डनेस और टफनेस में क्या डिफरेंस होता है? सर हार्डनेस होता है वो अपोज करता है इंडेंटेशन का। किसका? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जी सर। ठीक है, और टफनेस जो होता है वो फटिक लोडिंग के अंदर में अपोज करता है रैप्चर का। फटिक लोडिंग मतलब साइक्लिक लोडिंग। जी सर। साइक्लिक लोडिंग, ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी मटेरियल आपके पास दो मटेरियल है, कोई से मटेरियल आपको पता नहीं कौन से हैं, डक्टाइल मटेरियल है दोनों। जी सर। उनके दोनों की स्ट्रेस स्ट्रेन करो आपके पास है। जी सर। मटेरियल का नाम पता नहीं है आपको, बस ओनली आपको स्ट्रेस स्ट्रेन करो। तो उन इससे स्ट्रेस स्ट्रेन करो से आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा मटेरियल टफ है, दोनों में से कौन सा मटेरियल टफ है? सर एरिया अंडर दी कर्व जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, जिसका ज़्यादा होगा दैट इज मोर टफ, इसका कम होगा लेस। ठीक सर। जय आदित्य जी, आप बयाना के हैं? जी सर। बयाना से अभी पत्थर राम मंदिर में जा रहा है सुना है? जी सर। क्या है? जी सर। क्या कारण है सर? जो उसकी खासियत है वो रेड स्टोन। अच्छा। और उसकी जो सेकंड चीज़ है कि जब उस पर पानी गिरता है तो उसकी चमक जो होती है वो और ज़्यादा निखर के सामने आती है। पानी गिरता है तो चमक बढ़ती है उसकी, इसलिए राम मंदिर में वो लगा रहे हैं उसको। जी सर। यही कारण है। और अपने आप में सर एक अद एक अपना स्थान लिए हुए पूरे। अच्छा, पहले से ही? जी सर। 2008 में आपने 10th क्लास पास किया, फिर 10 में आपने 12th क्लास पास किया, फिर आपने 15 में बीटेक किया, कौन से कॉलेज से? सर जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फोकस। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? सर प्रिपरेशन में जब उतरा तो कॉलेज मतलब कॉलेज से निकलते ही गेट की तरफ गया। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में गेट की तरफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और लगातार 3 साल तक गेट दिया। तो बीपीसीएल का इंटरव्यू कॉल थी। जी सर। तो चलो,
म्यूजिक सुनते हो आप, कुकिंग आपकी हॉबी है, कुकिंग में आप खीर बनाते हो और सब्जी भी बना लेते हो कुछ कुछ, है ना। सब्जी बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर हम यूज करते हैं जी सर। प्रेशर कुकर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रेशर कुकर है आपके पास जी सर? सब्जी प्रेशर कुकर में जल्दी बनेगी या सिंपल कढ़ाई में जल्दी बनती है? नहीं, प्रेशर कुकर में। क्यों जल्दी बनती है सर? उसमें जो प्रेशर होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होने की वजह से जल्दी चीज़ें बॉईल हो जाती हैं। अच्छा, अगर जैसे मेरे पास प्रेशर कुकर है जी सर, और वो प्रेशर कुकर मुझे 30 मिनट में दाल बना के दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, अगर उसी प्रेशर कुकर से उसी दाल को मुझे थोड़ा जल्दी बनाना है तो मैं क्या करूँ सर? हीट होती है तो टेम्परेचर बढ़ाओ तेज। टेम्परेचर तो दे रहे हैं कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। हाँ, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है जी सर। गैस जो चल रही है आपका जो चूल्हा चल रहा है उससे ज़्यादा क्या दोगे आप? अच्छा अच्छा ठीक सर, वो कन्फ्यूजन इसी में कहीं से लॉक कर। तो सेकंड जी सर, अगर सॉल्ट डालते हैं तो वो भी बॉइलिंग के लिए, बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर कुकर के साथ कुछ करना है, मुझे नमक नहीं डालना है, मुझे प्रेशर कुकर के साथ कुछ छेड़खानी करनी है और उसको दाल को जल्दी पकाना है थोड़ा सा, आईडिया। चलो हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं जी सर, तो प्रेशर बढ़ता है कम होता है? कम होता है सर। क्यों कम होता है सर? प्रेशर का मीन्स आपके ऊपर कितने मतलब मॉलिक्यूल्स आपके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं अब, जैसे जैसे वो जी सर, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होते चले जाते हैं, उनकी वजह से जो लगने वाला प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। कम होता चला जाता है। मेरे पास कढ़ाई है जी सर, नीचे में दाल पका रहा हूँ, हाँ जी, पहाड़ पे जाके दाल पका रहा हूँ सर, तो नीचे दाल प्रॉपर पकेगी या फिर पहाड़ पे दाल प्रॉपर पकेगी? पहाड़ के ऊपर चला गया जी सर, टॉप पे, और वहाँ पे जाके हमें थोड़ा घूमना था जी, दोस्तों के साथ गए, टेंट लगाया, खाना बनाना स्टार्ट किया जी सर, दाल पक जाएगी वहाँ पर? वहाँ जल्दी पकेगी सर, वहाँ पर जल्दी पकेगी जी सर। प्रेशर कुकर में आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि प्रेशर बढ़ने के कारण दाल जल्दी बन रही थी, यही बोला था? प्रेशर बढ़ने के कारण जी सर कढ़ाई से जल्दी बन रही थी, लेकिन आप तो ऊपर चले गए, प्रेशर कम हो गया, आप फिर भी आपकी जल्दी बन रही, अभी आपने बोला प्रेशर कम होगा जी सर, दाल जल्दी कैसे बन गई वहाँ? सर अगर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है उसको कंपनसेट करने के लिए वहाँ कम प्रेशर की जरूरत होगी तो वहाँ जल्दी पक जाती है, और यहाँ अपन दाल पूरी तरह से पक जाएगी सर? मे बी सर, पूरी तरह से पक जाएगी, मतलब मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होगा अर्थ सरफेस से, मतलब मैं सी लेवल की बात कर रहा हूँ जी सर, सी लेवल से कम होगा बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर कम ज़्यादा हो जाएगा? कम होगा सर। कम होगा, जो दाल अभी 100 डिग्री पर बॉईल हो रहा था आधे घंटे लगातार जी सर, तब वो पक रहा था, 90 डिग्री पर लगातार बॉईल हो गया वो पकता है जी सर, ऊपर ऊपर पक जाएगा। चलो अच्छी बात है। मैकेनिकल इंजीनियर हुआ जी सर। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है सर। टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी गैस की या किसी भी सिस्टम की वो ऑलवेज कंजर्व रहेगी सर। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और जूल्स लॉ में क्या अंतर है? सेम सेम है, जूल्स लॉ बताइए। फर्स्ट लॉ जूल्स, जूल्स लॉ सुन याद कर बैक कर रहा हूँ। चलो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जी सर, व्हाट? जीरो किसी भी दो बॉडी जो अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं उनको कंबाइंड किया जाता है कॉमन टच में लाने पर, अच्छा, उन बॉडियों का जो टेम्परेचर वो कॉमन रहेगा, सेम होगा। दोनों बॉडियों को साम मैंने टच करा दिया, फिर तीसरी बॉडी के थ्रू टच कराया है आपने, दोनों बॉडी टच करा दी,
मैं बोल रहा हूँ, आपने कहा कि दोनों बॉडी टच होंगी तो उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, अच्छी बात है। मैंने कहा कि एक बॉडी अलग है, दूसरा बॉडी अलग है, मैंने उसको दोनों बॉडियों को तीसरे बॉडी के थ्रू टच कराया है, अब क्या टेम्परेचर सेम रहेगा? जी सर। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले आया था या फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों बोला आपने, इसको सेकंड लॉ क्यों नहीं बोला? जो प्रॉपर्टीज थी उसके रेस्पेक्ट में इस वजह से इसको पहले रखा, फर्स्ट लॉ से पहले तो जीरो नाम दिया। फर्स्ट लॉ से पहले आपने इसको दिया, क्योंकि इसे बेसिक था ये। अच्छा, चलो फर्स्ट लॉ के बाद हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या फर्स्ट लॉ से काम नहीं चल रहा था जो सेकंड लॉ हमने बनाया? सर काम, सर फर्स्ट लॉ ने जो बताया वो एनर्जी और वर्क के लिए उसका रिलेशन दिया, लेकिन जो उसके अंदर के सिस्टम में क्या हो रहा है वो चीज थर्ड लॉ ने बताई। थर्ड लॉ या सेकंड लॉ? सो सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जी सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं फेल हुआ होगा तभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना होगा, ऐसा तो होगा ना? तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर काम चल रहा होता तो मैं सेकंड लॉ के ऊपर सोचता ही क्यों? जी सर। तो कहां फेल हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फेलियर बताइए मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस। सर फर्स्ट लॉ जो था उसने एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड बताया कि एक फॉर्म से एक बॉडी से सेकंड बॉडी में जो जा रहा है एक सिस्टम से, तो वो मतलब कितना जा रहा है, मतलब क्यों फ्लो कर रहा है, एनर्जी के डिफरेंस की वजह से वो चीज़ फ्लो कर रही है, लेकिन वो कितना जा रहा है वो सेकंड लॉ ने बताया। चलो मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। जी सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियरली बोलता क्या है, सिंपली बताइए। साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैं आपको ऐड करवा देता हूँ, साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? सर एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एनर्जी होता है, चेंज इन एनर्जी ये इक्वल होता है चेंज इन वर्क के। साइक्लिक प्रोसेस मतलब चेंज इन एनर्जी को आप क्या बोलो, किस टर्म्स में हम लिखते हैं, हीट के टर्म्स में? जी सर हीट। हीट बोलो, मतलब वर्क किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क बराबर होगा हीट के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। मैंने एक सिस्टम बनाया और काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब लिखिए डेल क्यू, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू, यही है जी सर साइक्लिक प्रोसेस के लिए। वर्क कन्वर्ट हो गया हीट में, मैंने कोई वाटर फ्लो किया कहीं पर, टरबाइन लगाया और टरबाइन को मैंने किसी मोटर से ऑपरेट किया जी सर। ये मैं इसका वैलिडेशन पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने टरबाइन को किसी मोटर से ऑपरेट किया और टरबाइन घुमा, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है जी। तो यहाँ पर मैंने मोटर के थ्रू इसको दे रहा हूँ वर्क जी सर, और वर्क से मुझे हीट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताइए। वर्क से हीट मिलेगा ये। आपका फर्स्ट लॉ बोल रहा है जी सर। सर इसके जो लिमिटेशन जो लॉसेज हैं उनको बिल्कुल नेगलिजिबल रखा है। बिल्कुल नेगलिजिबल हैं लॉसेज जी सर। मैंने वर्क दिया वो हीट में कन्वर्ट होगा या नहीं, मैकेनिकल एनर्जी थ्रू कर सकते हैं कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हीट भी वर्क में कन्वर्ट होनी चाहिए जी सर, भाई फर्स्ट लॉ तो यही बोल रहा है। अब मैंने क्या किया, टरबाइन को कनेक्ट कर दिया किसी डिवाइस से, जो मोटर से कनेक्ट किया था, अब इन्वर्टर लगा दिया फॉर एग्जांपल, उसको चार्ज करूंगा। अब मैंने उसके चारों तरफ गर्म पानी फ्लो करना स्टार्ट किया, गर्म पानी, तो क्या ये हीट और वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी? सर जो सिस्टम कनेक्ट किया है हीट मतलब इलेक्ट्रिकल, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैकेनिकल वर्क करवा सकते हैं, लेकिन जो मोटर है तो उस हीट का यूज अपन ना तो स्टीम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि अपन उससे वर्क पे चले जाएं। अपन जैसे तो मेरे हिसाब से फेलियर होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ऐसा क्या? चलो छोड़ो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी बात करता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी की बात करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ स्टेटमेंट दिए लोगों ने जी सर, स्टेटमेंट बताइए मुझे। सर एक क्लॉसियस स्टेटमेंट था, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है? क्लॉसियस के अकॉर्डिंग जो सीओपी होती है वो नेवर बी 100 मोर इनफाइनाइट। व्हाट इज द सीओपी? सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सर एफिशिएंसी क्यों नहीं बोला मैंने यहां पे? सर ये जो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के लिए सीओपी वर्ड यूज किया जाता है। क्यों? रिलेशन भी होता है सर, इंजन अपन रिलेशन निकाल सकते हैं एफिशिएंसी और सीओपी के अंदर भी।
हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब आप क्या बोल दो हिंदी में, क्या बोलते इसको? प्रसीत तक कुछ हाँ हाँ कुछ रेफ्रिजरेटर है आपके पास, एक मैंने कहा आपके पास फ्रिज है, फ्रिज इस कमरे में मैं फ्रिज रख दूँ जी सर, उस कमरे को पूरी तरह से इंसुलेट कर दूँ और फ्रिज का गेट खोल दूँ तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा सर। क्यों बढ़ेगा सर? अगर फ्रिज ऑन है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी रेगुलर आ ही रही है, तो इसके वजह से जो एनर्जी है वो कहीं ना एनर्जी यहाँ बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, तो उससे टेम्परेचर जो जो हीटिंग कैपेसिटी होती है मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन होने। दोबारा बताओ। सेकंड सर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है फ्रिज के अंदर तो एनर्जी रेगुलर आ रही है वो किसी लॉसेस जीरो, एनर्जी डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है फ्रिज के जी सर, लॉसेस आर जीरो, ना ही वो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहा है ना ही एटमॉस्फेयर में, जिस कमरे का जो एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मुझे फ्रिज का मैंने गेट खोल दिया, अब फ्रिज के कारण कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा? सर टेम्परेचर बढ़ेगा ये कन्फर्म है, लेकिन मैं प्रॉपर रीजन पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, फ्रिज के अंदर कंडेंसर लगा हुआ होता है जी सर, जानते हो जी सर, कहाँ लगा होता है कंडेंसर? सर कंप्रेसर के बाद जब अपना रिजेक्शन किसमें से होता है? कंडेंसर के थ्रू। कंडेंसर के थ्रू होता है। मैंने कंडेंसर को हटा के फ्रिज से जी सर बाहर लगा दिए कमरे के, कंडेंसर को, केवल कंडेंसर, फ्रिज अंदर ही है जी सर। अब मैंने गेट खोल दिया, अब बताओ कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? एसी, एसी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर। एसी में जो यहाँ ठंडी हवा आपको अभी आ रही है एसी से जी सर, आ रही है ना ठंडी हवा आपके पास आ रही है, कहाँ से आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं? कंपोनेंट होगा ना जी सर, कौन कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं? चलो ठीक है, मैंने कहा ये ठंडा करने के लिए हम कोई रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं जी सर, R134A रेफ्रिजरेंट है जी सर, केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो घरों में जो रेफ्रिजरेशन हम यूज करते हैं, एसी लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, इनमें फ्रियोन्स क्यों यूज करते हैं, ये क्यों यूज नहीं करता? इजीली अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, कहाँ यूज हो रहा है आज के डेट में ये? R134A हाँ, आज के एसीओ में आ ही रहा है जो अपग्रेड एसीओ के। कौन सी एसी? अपग्रेड जो अभी एसी आ रही है नई, 5 स्टार या 4 स्टार के टर्म में। 5 स्टार और 4 स्टार में अंतर बताओ सर? ये टोन ऑफ रेफ्रिजरेशन पे डिपेंड करता है, टोन ऑफ रेफ्रिजरेशन और टोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, एग्जैक्टली टोन ऑफ रेफ्रिजरेशन और टोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। टोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, अभी तो आपने टोन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोला था। तो 5 स्टार एसी है जी सर, जो आज से मैंने 10 साल पहले एसी खरीदा जी सर और 5 स्टार खरीदा, क्या वो आज भी 5 स्टार है? सर रेटिंग तो 5 स्टार ही है। मैं आज की रेट की बात कर रहा हूँ, आज क्या उस एसी को उठा के मैं बात करूँ मार्केट में वो 5 स्टार है? नो सर, गवर्नमेंट की जो न्यू पॉलिसी आई है उन्होंने 1 स्टार सबका कम किया है सर। कम किया है जी सर। अभी इंडिया में ऐसी बात हो रही थी कि जब एयर कंडीशनिंग हम डिज़ाइन करते हैं, एसी हम डिज़ाइन करते हैं, तो 24 से नीचे किसी का टेम्परेचर नहीं जाएगा, ऐसा बात सुना आपने?
चलो हमने इसे डिजाइन किया जी सर, तो मैं डिजाइनिंग के पर्पस क्या क्या होते हैं, डिजाइनिंग के जो हम जो पैरामीटर्स लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं एसी के लिए? सर एसी में मैन एक प्योरिफिकेशन होना चाहिए, मतलब एयर आए प्योरीफाई वाला। मैं एसी का फंक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, एसी को डिजाइन करना है मुझे जी सर, उसके लिए पैरामीटर कौन कौन से कंसिडर करूँगा? कूलिंग टेम्परेचर मैन के पर्टिकुलर लेवल पे कूल करे फर्स्ट, सेकंड जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो, सेकंड चीज पैरामीटर का मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है रूम का, इस तरह से कितने लोग बैठे हुए हैं उस पर। मैंने कहा एक कमरे में मैंने 2.5 टन का एसी लगाया और ये एसी कंफर्टेबल है 30 आदमियों के लिए, 30 आदमी बैठेंगे तो उनको वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे, कंफर्टेबल महसूस करने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए? 16 to 24 सर। और ह्यूमिडिटी? नॉट एग्जैक्ट एप्रोक्स 72। अच्छा, तो 30 आदमी बैठे हुए हैं, 2.5 टन का मैंने एसी लगाया जी सर, और वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, उसी जगह पर मैं 30 आदमियों को हटाकर 30 औरतें बिठा दूं तो क्या वो कंफर्टेबल महसूस करेंगी? सर फिजिकली जो मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं तो नहीं, मैं कंफर्टेबल की बात कर रहा हूँ, वो करेंगी okay. या नहीं? लाइक आई थिंक सर। चल ठीक, तो एक तो पोस्चर आप थोड़ा रिलैक्स्ड पोस्चर रखें, हाथों को बीच में यूँ करके रख लें, और मास्क जो है इसको यूँ नहीं, नहीं ऐसे ऐसे इस तरह से यहाँ बीच से मैं कर लूँ ना, नीचे नीचे रखना है, नीचे और यूँ सेंटर, ये क्या है इसको यूँ कर लो ना बस, और इसको पकड़ो भी नहीं, उंगली चल फिर वो उंगली भी नहीं चलानी, बस उंगलियाँ इधर उधर के मूवमेंट अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करने हैं, आई कांटेक्ट में जो लंबे प्रश्न पूछते हैं उनसे ज़्यादा बाकियों से बीच बीच में आई कांटेक्ट रखें, उनको भी ये लगे कि हम भी इंटरव्यू का हिस्सा हैं, इंटरव्यू के सदस्य हैं, तो थोड़ा बहुत उनकी ओर भी ध्यान दें और बाकी अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने फॉर्म को भरते वक्त हर चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आप चीज़ लिखते हैं चाहे नाम है या कुछ भी है उसके बारे में पूछा जा सकता है, पीएचडी के बारे में, डब्ल्यूआरडी के बारे में, आपकी क्या है ये ओबी वगैरह, इन सब के बारे में, और बाकी आप ओवर सेंसिटिव हैं क्या, क्या चीज़ है ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचते हैं, इन सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इसकी तैयारी करें, फिर अपने ज़िले की, तहसील की, राजस्थान की, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, जो भी विशेष घटनाएँ हैं उनका ध्यान रहे, इतिहास की भी, भूगोल की भी, सब चीज़ों की थोड़ा थोड़ा पता सबका रहना चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकल आदमी बनने जा रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा हम नहीं कह रहे हैं, तो अब कोई टेक्निकल बातें आप बताना चाहो? कुछ चीज़ें तो सर ने बता ही दी है, आपने इसके अंदर अगर आप लिख रहे हो मेरे को म्यूजिक पसंद है, आप साथ साथ में म्यूजिशियन का नाम भी बता रहे हो, तो एटलीस्ट उनके एक दो गाने तो आने चाहिए, अभी भी नए नए बहुत गाने आए हैं, तेरे नाम मूवी है उसके भी गाने हैं, कहो ना प्यार है जो टाइटल सॉन्ग है वही इन दोनों का है, काफ़ी फेमस गाना है, मैं बोला था कि बहुत फेमस गाना। और यही नहीं, आपको जो क्लासिकल सिंगर्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो जो है आजकल के ज़माने के हैं, और वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में मेरे ख्याल से युवा लोग नहीं होंगे जी सर, और वो क्लासिकल म्यूज़िक और इन म्यूज़िक के कितने प्रकार हैं, क्या है इंस्ट्रूमेंटल है या वोकल है क्या है, उसके बारे में पूछ सकते हैं, ये एक शब्द को बहुत वाइडली तैयार करना है, ठीक है? तो अब जो लिख रहे हो उस पर थोड़ा सा अपने को नॉलेज होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगा कि आपने बस म्यूजिक की लिसनिंग लिख दी है, आपने नाम बता दिया है, बाकी उसका पता नहीं है कुछ भी, थोड़ा वर्क करना बाकी सर। हाँ, मेरे हिसाब से आपने नाम भी ऐसे ही बता दिए कि किसी ना किसी का तो बताना ही है, जब पूछा है कौन सा फेवरेट है तो किसी ना किसी का तो बताते ही बताते, तुक्केबाजी नहीं करनी। हाँ ठीक है, अब वो बता भी आपने पुराने जमाने, अभी लेटेस्ट अरिजीत सिंह बोल भी देते तो एक आध सॉन्ग आप निकल जाता मुंह से, लेकिन आपने पुराने बता दिए, तो मतलब उस पर वर्क करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, टेक्निकली इम्प्रूव करना है दोस्त, है ना?
बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक बेसिक है, सेकंड ऑफ थर्मोडाइनमिक बेसिक है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी इनको पूछ लेता है ना, उनका ये तो लेमैन को भी मालूम है, एसी का गेट खोलूंगा, फ्रिज का गेट खोलूंगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, वही तो इंजीनियर है ना, ये सारे देखना टेक्निकली। बाकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक था, आप आंसर ठीक ठाक देने की कोशिश कर रहे थे, नहीं आ रहे तो उसको इम्प्रूव कर लेंगे, बाकी दूसरा इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल आपका यही रहे, थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, हाथों का जो मोशन है जिसमें हम हाथ इधर उधर कर रहे थे वो थोड़ा सा हम सुधारें, और टेक्निकल नॉलेज हम जब साउंड कर लेंगे तो बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा। आपका जवाब देने का तरीका अच्छा है, अच्छा जवाब दे रहे थे, है ना।